हाय डियर फ्रेंड्स, यू आर अगेन वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको जीरोज और कोएफिशिएंट्स का रिलेशनशिप दिखाना है, और दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या है कि पॉलिनोमियल बताना है। तो आइए सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जिसमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका जीरोज निकालना है, फिर जीरोज निकाल करके उसके वेरिफिकेशन करना है उसके कोएफिशिएंट्स के साथ। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपने 6, 7, 8 में सीखा है कि स्प्लिट करके फैक्टराइज कैसे किया जाता है, जीरोज कैसे निकाला जाता है, तो थोड़ा सा उसका इस्तेमाल यूज आपको करना है, तो पहले उसको बताते हैं फिर उसको वेरीफाई करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन जो है इसके अलावा एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यह कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका आपको फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके या फर्स्ट इनटू लास्ट करके इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, जिससे आप जीरो निकाल पाएंगे। जब जीरो निकाल पाएंगे उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो पहले हमको जीरो निकालना सीखना है कि कैसे हम लोग निकालते हैं। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देख पा रहे हैं कि यह फर्स्ट है और यह क्या है, लास्ट है। इस जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर और 6, क्या आ गया हम लोगों का, 6x² आ गया। अब क्या करना होता है हम लोगों को, इसका फैक्टर्स हमको करना होता है। तो 6 का क्या हो गया, 1 और 6 हो गया, 2 इंटू क्या हो गया, 3 हो गया। अब मुझे हम सबों को यह देखना होता है कि जो दो फैक्टर्स है, या तो इस दोनों को एड करके हम बीच वाला ले आए टर्म, या एक से दूसरे को माइनस करके बीच वाला टर्म ले आए। तो होगा क्या देखेंगे आप ध्यान से, 6 - 1 करने से 5 तो आ जा रहा है, और लेकिन जब 6 और -1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -6 आ रहा है, जबकि हमको लाना क्या है, यहाँ पे 6 लाना है। तो साइन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते इसको। तो फिर आपको करना क्या होगा, 2 और 3 को लेना पड़ेगा, 2 + 3 को आप कर रहे हैं तो 5 आ जा रहा है, फिर 2 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 भी क्या हो रहा है, आ जा रहा है। अब देख पा रहे हैं कि बीच वाला आपका +5 है, यहाँ +5 भी आ रहा है, आपका मल्टीप्लाई करने के बाद +6 आया तो +6 भी आ रहा है, यानी कि आपके काम का क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। तो इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको फिर यहाँ पे कूट करेंगे, स्प्लिट करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आइए क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे x² +3x +2x +6, फिर आप इसको दो दो का एक ग्रुप बना ले, आप जब ग्रुप बना ले इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है, x + 3 आपने कर लिया, फिर इस दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो क्या कर लेंगे आप, x + 3 कर लेंगे। फिर इस ग्रुप में और इस ग्रुप में आप देख रहे हैं x + 3 यहाँ पे भी, x + 3 यहाँ पे भी है, x + 3 आपने कॉमन कर लिया, फिर यहाँ आपका x बच गया, फिर यहाँ पे आपका 2 बच गया। तो दैट द वे वी हैव टू सॉल्व द फैक्टराइजेशन ऑफ x² 5x + 6। तो ऐसे ही करना है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया कि मिडिल टर्म में स्प्लिट करके या फर्स्ट इनटू लास्ट करके फैक्टराइज कैसे किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप रिकॉल कर लिए होइएगा, रिमेम्बर कर लिए होइएगा, याद आपको आ गया होगा कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए अब हम आपको इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जीरो फाइंड करते हैं, फिर इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो मान लेंगे px = x² - 2x - 8 यहाँ पे हो गया। अब आइए ध्यान देंगे कि जीरोज का यहाँ पे डिस्कस हुआ है, हम लोगों ने डिस्कस किया है, जीरोज होता है वह वैल्यू जिसको उसमें डालते हैं तो क्या करता है, जीरो कर देता है। तो दैट मीन px = 0। तो नाउ x² - 2x - 8 = 0। फिर इसको फैक्टराइज हमको करना है, जैसे मैंने जस्ट पीछे आपको बताया कि फैक्टराइज कैसे करना है। तो फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे, x² और -8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप -8x² पाते हैं, फिर -8 का आप जब स्प्लिट करेंगे 8 × 1 4 × 2 हो गया, जब 8 से आप 1 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे -2 लाना है, तो यह हमको नहीं लेना है, हमारे काम का क्या है, 4 और 2 है, और यहाँ पे -2 है, तो इसका मतलब है कि बड़े का साइन हमको माइनस में रखना है, बड़े का साइन क्या रखना है, माइनस में रखना है। आप क्या करें, x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब इसको हम लोग ग्रुप में कर लें, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, x - 4, फिर यहाँ से +2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, x - 4 = 0।
फिर इस ग्रुप में और इस ग्रुप में आप क्या देख पा रहे हैं, x माइनस फोर यहाँ पे भी है और x माइनस फोर यहाँ पे भी, तो x माइनस फोर यहाँ पे भी और x माइनस फोर यहाँ पे भी, x माइनस फोर हम कॉमन कर लिया हमने, x प्लस टू हो गया इक्वल जीरो। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे ध्यान देंगे x माइनस फोर इक्वल्स जीरो, एक्स प्लस टू इक्वल्स जीरो, एक्स इक्वल्स फोर, एक्स इक्वल्स माइनस टू, यहाँ लोग देख पा रहे हैं। अब आइए, याद होगा कि हमने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे पहले एक एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे हमने बताया था कि अल्फा और बीटा दो अगर मान मतलब जीरोज होता है, इसको हम लोग माइनस बी बाई ए लिखते हैं। माइनस बी क्या है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स, नीचे आप ए देख रहे हैं, ये क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। इसी तरह से अल्फा इंटू जब बीटा था तो मैंने बताया था सी बाई ए बताया था, सी आप क्या है देख पा रहे हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म बाई, यहाँ पे ए क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग देख पा रहे हैं। तो आइए ध्यान देखते हैं कि इन इस फॉर्मूला का यूज करना है हमको इसमें, तो आइए ध्यान देंगे, लेट अल्फा इक्वल्स फोर बीटा इक्वल्स माइनस टू, अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को करना है, अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को करना है, तो यहाँ पे फोर हो गया प्लस टू हो गया, आप हम लोग देख पा रहे हैं फोर प्लस माइनस टू दैट इज टू। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे टू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस हो जाएगा, अब हम देख पा रहे हैं क्या माइनस, और माइनस टू क्या है आप यहां इसमें देख करके समझ सकते हैं, कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई वन क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने देखा अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करके यहां किया, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर के टर्म में लिख पा रहे हैं, यानी कि इसको वेरीफाई कर पा रहे हैं, तो यह हम लोगों का वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया रिलेशन। एक छोटा सा और एग्जाम्पल है, अगर इस तरह से आप नहीं कर पाते हैं, इसको बहुत आसान सा एक तरीका है, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड है, तो ध्यान देंगे आपको करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है आपको, फोर प्लस माइनस टू दैट इज फोर, प्लस माइनस माइनस टू दैट इज टू हो गया, तो आपने इसको मैथमेटिकली एड करके निकाला। अब आप इसको फॉर्मूला से निकाले, आप अल्फा प्लस बीटा हो गया, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या व्हाट इज बी, बी दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या है यहाँ पे माइनस टू, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को बगल में नहीं पूछा तो वन अंडर स्टूड होता है, वन समझा जा रहा है, तो वन आप ले रहे हैं, तो माइनस माइनस टू बाई वन क्या गया टू आ गया, तो आपने मैथमेटिकली जब एड करके अल्जेब्रिकली जब एड किया आपने तो टू पाया, फिर जब आपने फॉर्मूला से निकाला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, वहां से भी आप टू पा रहे हैं, यानी कि दोनों केस में आपका क्या आ रहा है आंसर सेम आ जा रहा है, रिजल्ट सेम आ जा रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं वेरीफाइड, कह सकते हैं वेरीफाइड। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, एक बार हम लोगों ने अल्जेब्रिकली किया, एक बार फॉर्मूला से यूज करके किया, दोनों स्थिति में रिजल्ट सेम है, इसको हम कह सकते हैं कि यह वेरीफाइड है। तो एक अल्टरनेट मेथड ऐसे है कर सकते हैं। अब इसका एक दूसरा वाला जो है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा क्या है फोर इंटू टू माइनस टू क्या आ जाएगा माइनस एट आ जाएगा, देंगे अल्फा इंटू बीटा फोर माइनस टू दैट इज माइनस एट। अब यहां देख रहे हैं इसमें हम लोग पॉलिनोमियल में माइनस एट क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, और इसके नीचे वन लगा दे सकते हैं हम, तो कॉन्स्टेंट टर्म टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यह वेरीफाइड हो गया, या आपको आप इस अल्टरनेट मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर वन था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर टू हम बताते हैं आपको कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल निकालते हैं। आइए आइए क्वेश्चन नंबर टू में चलते हैं, जिसमें सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, इससे आपको पॉलिनोमियल निकालना है। तो याद कीजिए कि द पॉलिनोमियल
एक हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्चुअली जो के जो होता है वह ए के इक्वल होता है, के जो होता है क्या होता है वह ए के इक्वल होता है। आइए ध्यान देंगे, नाउ लेट अल्फा प्लस बीटा वन बाई फोर अल्फा इंटू बीटा माइनस वन, सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम लोग वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोगों का क्या है यहाँ देख पा रहे हैं वन बाई फोर, वन बाई फोर एक्स हो जाएगा। फिर आप यहाँ अल्फा प्लस बीटा है तो प्लस, अल्फा प्लस बीटा का क्या है माइनस वन, तो माइनस वन हो जाएगा। आप देख लें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर एक्स माइनस वन, ये हम लोगों का क्या हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसको निकाल सकते हैं। अब आइए एक इसका एक और आसान सा तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसको आप उपयोग में ला सकते हैं, वो अल्टरनेट मेथड है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा है वन बाई फोर है, यह आपको माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है, इसको हम लोग माइनस माइनस वन बाई फोर माइनस बी बाई ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा जो होता है हम लोगों का वह क्या है माइनस वन है या सी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ए क्या है नीचे फोर, यहाँ देख रहे हैं क्या है ए फोर, और यहाँ ए की जगह पे वन है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही पॉलिनोमियल में क्या कहते हैं ए डिफर करे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, नीचे फोर लाना है, ऊपर नीचे दोनों में क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस फोर बाई फोर हो गया। तो अब आप हम देख पा रहे हैं क्या कि ए इक्वल्स, यहां से देख लीजिए क्या आ गया फोर, बी इक्वल्स आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे माइनस वन, और सी इक्वल्स क्या देख पा रहे हैं आप माइनस फोर, सी इक्वल्स क्या हो गया माइनस फोर। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी, ए एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर बी एक्स, तो बी का क्या है माइनस वन तो माइनस एक्स, और सी के जगह पे क्या है माइनस फोर। आप इसको लिख पा रहे हैं फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज एक्सरसाइज 2.2 आप लोगों के लिए है, एक्सरसाइज 2.2 आप लोगों को करके आना है, फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। डू एक्सरसाइज 2.2, डू एक्सरसाइज 2.2, बाय एंड टेक केयर।